टमाटर की चटनी किस तरह बनती है। पहले तो आपको जितने टमाटर लेना है, आपको जितने काफ़ी होंगे उतने ले लीजिए, और उसको काट के, हमने थोड़े से पहले काट लिया था, मुकुड़ अपटके अपान। अब हम इसमें थोड़ा तेल डालेंगे। तेल गरम होने के बाद सहजंगाने मुंदु नूनेयम, उसको अंदाजे से डालें कि तेल ज़्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो। तेल गरम हो गया है, अब हम उसमें पहले लहसुन डालेंगे। अंदुलो कोन्नी वेल्लुलि रेब्बलु, बाद में डालेंगे लहसुन को। थोड़ा तलने के लिए या वो ब्राउन होने के लिए थोड़ा टाइम लेता, तो इसलिए हम पहले लहसुन डालेंगे। वो जब थोड़ा ब्राउन हो जाए तो तब हम फिर ज़ीरा और राई और जो बगार की मिर्च होती है वो भी एक दो। ये इसका फ्लेवर आ जाएगा ना चटनी में, तो हम इसको ज़रा अच्छा सा ब्राउन कर लेंगे। इतनी चीज़ें मतलब देखते रहते हैं लोग, और खाने के शौकीन हैं, तो ख़वातीन को ये भी होता है कि जो खाना खाए वो उसकी तारीफ़ भी करे, वो ये सुनना चाहती हैं। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। వెల్లుల్లి కొంచెం బ్రౌన్ అయిన తర్వాత జీరా అండ్ ఆవాలు, థోడా హమ్నే జీరా డాల్, ఈ దోనో కో భీ థోడా సా ఫ్రై హోనే దేంగే, ఫిర్ ఉస్కే బాద్ యే జో బగార్ కీ మిర్చీ హోతీ హై యే బహుత్ జల్దీ జల్ జాతీ ఇస్లియే ఇస్కో లాస్ట్ మే। పోపులో ఎండు మిర్చి నిజంగా చూస్తే కారానికి కాదు, ఎండు మిర్చితో జాగ్రత్త, అవి ఊరికే మాడిపోతాయి, లాస్ట్ కు వేసుకోండి। లెసన్ భీ హెల్త్ కే లియే బహుత్ అచ్చా హై, ఔర్ బాజ్ లోగ్ జో బగారా లెసన్ హోతా హై వో బహుత్ షౌక్ సే ఖాతే హై। కొంచెం సేపట్లో పోపు బగారా రెడీ అవుతుంది। అబి హమారా బగార్ తక్రీబన్ తయారు హో గయా హై, అబ్ హమ్ ఇస్మే, అప్పుడు అందులోకి టమాటాలు, అబ్ హమ్ ఇస్మే డాలెంగే ఉప్పు, జో ఇత్నే టమాటర్ కే లియే ఏక్ టీస్పూన్ యా ఉస్సే థోడా సా ఔర్ జ్యాదా ఆప్ డాల్ సక్తీ హై, और लाल मिर्च पाउडर, मिरपड़ी, ये जीरा पाउडर है, जीरा, धनिया पड़ी और ये धनिया पाउडर। अब इन तमाम मसालों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और ये टमाटर इसी का जो पानी जूस छूटा है टमाटर उसी में गल जाएंगे, उसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं रहती। ఒక్కసారి కలియ దిప్పి మూత పెట్టేడం దంకి వదిలేడం, ये इसको हमने अब पूरा मिक्स कर दिया है। अब इसको हम इसी चूल्हे पे रखते हुए फिर अब हम ये इसको हमने अच्छी तरह मसाले को मिक्स, ఉడకడం అన్న పదం కన్నా దమ్ అన్న పదమే ఇక్కడ రైట్। దమ్ అంటే ఆవిరి పట్టడమే। మనం టమాటాల వైనం కనుక్కుందాం। थोड़ा पानी इसका भी सूख गया है, मगर अभी काफी पानी है, अभी और पकना है ये। टमाटालु कलिये दिप्पुतूने टमाटालनी एनुपुतुन्नदी बेगम नुसरत। इसका और पानी सूख जाए तो तब फिर इसमें हरी मिर्ची ऊपर काट के डालेंगे और हरा धनिया डालेंगे, फिर ये आप सर्व कर सकते हैं। ई लोपला मन टमाटालु रुचिनेक्कि बाडी समकूर्चुकुन्नायि। इसका थोड़ा तेल जो हमने डाला है वो ऊपर आना चाहिए, थोड़ा धीमी आंच पे अगर रखेंगे तो तेल ऊपर आ जाएगा। अब देखेंगे गाढ़ी हो रही है और तकरीबन टमाटर गल चुके हैं। अब ये देखते हैं इसका क्या हुआ है। इन पचमिर्चिलू कोत्तिमीरा पड़ते टमाटा ब्रेकफास्ट व्यंजनम रेडी। जैसा कि मैंने बताया था कि सबके तरीके पकवान के अलग अलग होते हैं, और इसी तरह जैसा कि इसको टमाटर को पीस कर, और इसी तरह जैसे हमने बगारा उसको पीस लेते हैं, बारीक कर लेते हैं। नूरडम అనేది లేదు ఇందులో, కానీ నుస్రత్ బేగం దీని చట్నీ అనే అంటారు। बगार में डाल देते हैं तो वो उसमें आपको छिलके भी नहीं आते, कोई वैसा पसंद करता है कोई ऐसा पसंद करता है, सबके अपने तरीके हैं बनाने के। ये हमारी टमाटर की चटनी तैयार है। टमाटर का चटनी भी तैयार।